चीन के साथ साथ लैटिन अमेरिकी देशों की हालत भी कोरोना ने बिगाड़ दी है। WHO की 21 दिसंबर को जारी एक रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई है। पिछले 28 दिनों में लैटिन अमेरिकी देशों में चीन के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से कोरोना फैल रहा है। हालांकि कोरोना से मौत के मामलों में चीन की रफ्तार अभी सबसे तेज है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक लैटिन अमेरिकी देशों में कोरोना के नए मामले 87% बढ़े हैं। अकेले चिली में ही करीब 50 लाख नए केस सामने आ चुके हैं। चीन के ताजा आंकड़ों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये आंकड़े चीन के आधिकारिक आंकड़े नहीं है, लेकिन चीन के लिए मुसीबत जरूर बन गए, क्योंकि इन नए आंकड़ों ने चीन में हो रही तबाही की सही तस्वीर दुनिया को दिखा दी। एयरफिनिटी लिमिटेड नाम की कंपनी की इस रिपोर्ट को ब्लूमबर्ग ने छापा, जिसमें दावा किया गया कि वहां रोजाना 10 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। एक दिन में 10 लाख लोगों का कोविड पॉजिटिव होना किसी भी मुल्क के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं है। लेकिन चीन इन हालात का सामना कर रहा है। इसी रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन में केवल 24 घंटे में 5000 लोगों की मौत हो गई, जबकि चीन के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2019 से अब तक वहां लगभग 5000 लोगों की जान कोरोना के कारण गई है। लंदन की इस एजेंसी के आंकड़े तब आए जब चीन पहले से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के निशाने पर है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीन को साफ कहा कि चीन के मौजूदा हालात और उसके आंकड़ों में कोई तालमेल नहीं दिख रहा, क्योंकि चीन से आ रही तस्वीरें साफ बता रही हैं कि वहां हालात इस वक्त बेहद खराब हैं। लेकिन चीन के सरकारी आंकड़े दिखाते हैं कि सब कुछ सामान्य सा ही है। वहां के कब्रिस्तानों के बाहर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं, शवों को रखने की जगह तक नहीं बची, अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल रहे, एक एक कमरे में बेशुमार बेड लगाकर इलाज किया जा रहा है। यहां तक कि अस्पताल में लोगों को कुर्सी पर बिठाकर ऑक्सीजन दिए जाने के वीडियो भी सामने आए। अस्पतालों में इतनी भीड़ दिख रही है कि डॉक्टरों के चलने तक की जगह नहीं है। डर और घबराहट की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। न दवाएं हैं, न ही इलाज के इंतजाम, ऊपर से कब्रिस्तान तक भर चुके हैं। लेकिन चीन का दावा है कि हालात काबू में है, इसलिए WHO ने भी चीन की सरकार को साफ कह दिया कि वो हालात की सही और सटीक जानकारी दे, ताकि बाकी की दुनिया भी बीमारी से लड़ने की तैयारी कर पाए। और ये कहने की जरूरत WHO को इसलिए पड़ी क्योंकि आंकड़े देखकर लगता ही नहीं कि चीन की हालत खराब है, जबकि चीन के ही लोग वहां के सोशल मीडिया पर दर्दनाक वीडियो डाल रहे हैं। चीन के हालात पूरी दुनिया को डरा रहे हैं। पूरी दुनिया के मन में सवाल उठ रहा है कि अगर कोरोना से मौत नहीं हो रही तो चीन के कब्रिस्तानों के बाहर लाइनें क्यों लग गईं? जिन लोगों के शवों के वीडियो सामने आए उनकी मौत की वजह क्या है? इस बार चीन को चेतावनी दी गई कि अगर सही आंकड़े नहीं दिए गए तो WHO को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि पहले ये अनुमान जताया जा रहा था कि 2023 में कोरोना को हेल्थ इमरजेंसी की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन 2023 आने से पहले दुनिया को एक बार फिर कोरोना वायरस का डर सताने लगा। इस बीच वो फॉर्मूला भी पता चला जिसकी वजह से चीन में कोरोना से लोगों की मौत नहीं होती, क्योंकि चीन के ही एक डॉक्टर ने बताया कि WHO के नियमों को चीन नहीं मानता। चीन के उस डॉक्टर के बयान को दुनिया भर के अखबार और वेबसाइट प्रमुखता से छापने लगे। नई जानकारी ये पता चली कि कोरोना से होने वाली मौतों के लिए चीन ने बेहद सख्त नियम बनाए हैं। मौत के बाद मरीज के फेफड़ों की जांच का नियम है। जांच से पता चलता है कि शरीर में कोरोना वायरस था या नहीं था। इस वक्त तो चीन में लोगों के शव रखने की भी जगह नहीं है, तो शवों की जांच का सवाल ही पैदा नहीं होता। यही वजह है कि WHO चीन पर बुरी तरह भड़का हुआ है, क्योंकि मौतों की गिनती के लिए पूरी दुनिया जिन नियमों का पालन करती है वो इससे बिल्कुल अलग है।